अस्सलाम वालेकुम, बशर किचन में आप सबको खुश आमदीद। बशर किचन में हम आज बनाने वाले हैं क्रिस्पी क्रंची फ्राइज़। हमेशा की तरह बहुत ही सादा और आसान तरीके के साथ। लेकिन आज की रेसिपी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलें आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। क्रिस्पी क्रंची फ्राइज़ बनाने के लिए हमें चाहिए, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास 4 अदद बड़े साइज़ की आलू हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी आप बनाना चाहें। और हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स हैं, फ्लोर की शेप में नहीं है, मतलब आटे जैसे नहीं है, ये क्रिस्पी क्रंची हैं, ठीक है। और सोया सॉस हमें चाहिए 2 चम्मच के राउंड अबाउट। ये देखिए आलू मैंने इस तरह से काट के उनके ऊपर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला और 1 चम्मच के राउंड अबाउट ही मैंने इसमें सोया सॉस डाली ताकि इसमें थोड़ा सा नमकीन टेस्ट आ जाए। फिर मैंने 1 by 1 फ्राइज़ को लेके ये उसके ऊपर मैंने क्रम्स लगा दिए। ये देखिए आप चाहें तो बॉल में भी ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा बेटर लगा। ये देखिए आप इसके ऊपर अच्छी तरह से ये क्रम्स चिपक चुके हैं। दूसरी साइड पर हमने ऑयल पहले से गर्म करने रखा था ताकि फटाफट सारे काम हो जाए। ये आप देखिए गरम गरम ऑयल में मैंने ये फ्राइज़ डाली, ठीक 2 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर लगे हुए वो ब्रेड क्रम्स आपको नज़र आ सकते हैं, कैसे इसकी लुक क्रिस्पी सी हो चुकी है। और वो ये खाने में भी इसका साउंड बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी सा था, ठीक है। अब हम साथ ही इसको साइड पर रख के सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस मैंने पहले तैयार की थी लेकिन वीडियो में आपको मैं ये बाद में दिखा रही हूँ, ठीक है। आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। 1.5 चम्मच ऑयल में मैंने 1/2 चम्मच मैंने गार्लिक पाउडर डाला, फिर मैंने इसमें 1.5 चम्मच सोया सॉस डाला और रेड चिली अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 1/2 कप के मुताबिक मैंने इसमें केचप डाला। केचप मुझे थोड़ा लगा, मुझे और केचप चाहिए था, मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारी सॉस रेडी है और हमारी चिप्स जो रेडी थी, और साथ में इसको हमने वो एक छोटे से बोल में डाला और प्लेट में हमने चिप्स को डिश आउट कर लिया। ये हमारी रेसिपी रेडी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की सिंपल सी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।